फ्रेंड्स, हाय वेलकम। मैं आ गई हूँ आपके लिए आज डिफरेंट रीडिंग लेके, कि आपके लाइफ में जो भी पर्सन है, ये इनका आपके लाइफ में आने का क्या सोल पर्पस है। ठीक है, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देखोगे, उसके लिए होगा। ठीक है, डिवाइन से प्रेयर कर लीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। 2 मिनट के लिए हम प्रेयर कर लेते हैं कि डिवाइन हमको सही गाइडेंस दीजिए। चलिए देखते हैं कि इस पर्सन का आपके लाइफ में आने का क्या सोल मिशन है, क्या सोल पर्पस है। ओम शक्ति शिवाय, शक्ति शिवाय। 3 of Swords, High Priestess, Page of Cups, and bottom पे है 8 of Swords। तो Divine ने इस person को आपकी life में भेजा है आपको emotionally strong करने के लिए, आपके अंदर की psychic ability को बढ़ाने के लिए। आप किसी लो फ्रिक्वेंसी से आपको हाई फ्रिक्वेंसी में ले जाने के लिए। ठीक है, आपके अंदर के जो ट्रू सेल्फ है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको निखारने के लिए। आप जिस फियर में थे उससे आपको बाहर निकालने के लिए, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको ख़त्म करके आपको कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करवाने के लिए। ठीक है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं आपकी साइकिक एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपके हर्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए, अनकंडीशनल लव सिखाने के लिए, ट्रू लव सिखाने के लिए, प्योर रिलेशनशिप, प्योर कनेक्शंस को समझाने के लिए इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा है। ठीक है, सारे जो नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं उससे बाहर निकालने के लिए, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं उससे आप दूर हो जाओ, बैलेंस स्टेट में आ जाओ। आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी है जो आपके अंदर मौजूद है, उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, एकदम काम और पेशेंस सिखाने के लिए, ऑब्सेशन से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, स्टॉकिंग, ऑब्सेशन, लस्ट, एंगर, ये सब चीज़ों को, ये नेगेटिव ट्रेट्स को आपकी लाइफ में से ख़त्म करने के लिए इस पर्सन को भेजा है। ठीक है, उन सभी लोगों से मुंह फेरने के लिए जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उन सभी लोगों को नो कहना। जैसे अगर कुछ लोग आप नो नहीं कह पाते पर्सन को किसी, तो आपको नो कहना सिखाना कि नो, ये हेल्दी नहीं है मेरे लिए। आप कहीं आपको कंफर्ट जोन से निकाल के आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने के लिए भेजा गया है इस पर्सन को आपकी लाइफ में। सेक्रेट पर्पस, एटर्नल फ्लेम, एंचेस्टर्स लेगेसी। आपके जो पूर्वजों की लेगेसी, जो पुराना ज़माने से आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सिखाया जाता है या होता जा रहा है, उस चीज़ को ख़त्म करना और एक न्यू पर्पस, कोई सेक्रेट प्योर पर्पस की वजह से ये आपकी लाइफ में आए हैं। आप लोगों का बहुत कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है एक दूसरे से। ये जो लव है आप लोगों के बीच में, ये कोई इस जन्म का नहीं है। एटर्नल फ्लेम मतलब
मतलब ये जो आप लोग ऐसे फ्लेम्स हो दोनों जो मतलब बार बार मिलोगे, आप लोगों में जो प्यार ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, इमॉर्टल कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो चीज़ है ये। और ये पर्सन आपके लाइफ में आपको आपके पर्पस से जोड़ने आए हैं, जो आप अर्थ पे पृथ्वी पे करने आए हो। शामनिक जर्नी, पर्पस, अट्यूनमेंट, विजन क्वेस्ट। तो आप में से काफ़ी लोग हीलर्स हो सकते हो, साइकिक हो सकते हो, मीडियम हो सकते हो। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको आपकी पावर से जोड़ने आए हैं। मिरेकल्स, एंशियस्ट विजडम। तो वो आपको आपके अंदर के जादू से आपको जोड़ने आए हैं, आपके अंदर के आपके पावर का एहसास दिलाने आए हैं, आपके अंदर ही जो सब कुछ है उससे आपको जोड़ने आए हैं। ये पर्पस है इस पर्सन का आपकी लाइफ में आने का। अगर आप इसको एज अ रोमांटिक रिलेशनशिप लेके चलोगे तो फिर वो चीज़ काम नहीं करेगी। ये पर्सन आपको बार 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 फिर ट्रिगर करेगा, आपको वो चीज़ नहीं देगा, ठीक है। तो आप इससे बेटर कि अपने सोल पर्पस पे लगिए, जो आप करने आए हैं, अपने अंदर की पावर को जानिए, ठीक है, अपने अंदर के जादू को जानिए, आप कितने बड़े जादूगर हो, आप में कितनी बड़ी पावर है, और अपना जो सेक्रेट पर्पस है आपका, प्योर पर्पस इस अर्थ पे आने का, उसको पूरा कीजिए। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ प्यार व्यार करने नहीं आए हैं, अर्थ पे हमको भगवान ने कुछ भेजा है करने के लिए। ठीक है, प्यार होता है, वो तो करना ही हमने, पर अनकंडीशनल लगना करना है हमको। ऑब्सेशन में नहीं जाना, किसी के पीछे पागल नहीं हो जाना। वो हमको क्या सिखाना चाह रहा है हमको वो सीखना है और अपना पर्पस पूरा करना है। बाकी वो तो है ही हमारा, वो तो हमें मिल ही जाएगा लास्ट में। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।